Good morning to all. Good morning dear doctors, dear students. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए. आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स कैसे कर रहे हैं. हम हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी जो है उसमें हम ड्रग की प्रिपरेशन कौन कौन से मेथड से करते हैं, है ना. कौन कौन से दो मेथड है, आप सबको पता है कि दो मेथड से हम लोग ड्रग की प्रिपरेशन करते हैं. एक कौन सा मेथड कहलाता है ओल्ड मेथड और दूसरा कौन सा कहलाता है न्यू मेथड, है ना. तो आज हम चर्चा करेंगे कि ओल्ड मेथड कौन सी है, इसमें कितनी क्लासेस में ड्रग को डिवाइड किया हुआ है, कौन सी पोटेंसी में हम लोग ड्रग बना रहे हैं, इसमें हम व्हीकल्स और ड्रग सब्सटेंस जो है उसका किस रेशो में हम लोग यूज कर रहे हैं. हैनीमन जी जो थे उन्होंने सबसे पहले ओल्ड मेथड लेकर आए थे, इसलिए हम ओल्ड मेथड को हैनीमन मेथड बोलते हैं. तो हैनीमन जी जो है उन्होंने सबसे पहले कौन सी मेडिसिन बनाई थी, है ना. सबसे पहले कौन सी ड्रग बनाई थी ये मेथड को यूज करके. तो आज हम इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे. जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सभी को सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं उसे आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से रखना है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं. तो जब भी एग्जाम होती है उसमें जो ड्रग की क्लासिफिकेशन है, ये जो ड्रग प्रिपरेशन की मेथड है, है ना, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, है ना. कि ये जो एनिमल किंगडम की ये जो क्लास है ये किस क्लास में आते हैं, या फिर आपको सिंपल पूछ लेते हैं कि बेलाडोना मेडिसिन जो थी वो किस क्लास में आती है, या इसकी ड्रग पावर क्या होती है, या व्हीकल और ड्रग सब्सटेंस का रेशियो क्या होता है इसमें. तो इस चार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है. हर बार एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन आते ही है, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम क्या देखते हैं कि मेथड क्या है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस की. तो दो मेथड होती है, एक कौन सी होती है ओल्ड मेथड और दूसरी कौन सी होती है न्यू मेथड. तो ओल्ड मेथड जो थी वो किसने दी थी, हैनीमन जी ने दी थी, उसे हम क्या बोलते हैं हैनीमनियन मेथड. ओल्ड मेथड में हमने जो ड्रग्स है उसको कितनी टोटल 9 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. यहाँ आप देख सकते हैं, पेन ले लें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओल्ड मेथड थी वो कौन लेकर आए थे, हैनीमन जी लेकर आए थे. इसमें टोटल हमने ड्रग्स जो है, हमारे जो ड्रग सब्सटेंसेस है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 9 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. यहाँ देख सकते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5A, 5B, क्लास 6A, 6B, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9. इस तरह से हमने हमारी जो ड्रग सब्सटेंस है उसे हमने टोटल 9 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज कि जो ओल्ड मेथड थी उसमें मेडिसिन जो प्रिपेयर की जाती थी उन्हें कौन कौन से तरीकों से प्रिपेयर किया जाता था, 3 मेथड से प्रिपेयर किया जाता था, यह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. तो सबसे पहले हम देख लें क्लास 1 से लेके क्लास 4, है ना, क्लास 1 से लेके क्लास 4 में कौन से ड्रग सब्सटेंस आते हैं, वो आते हैं प्लांट एंड वेजिटेबल किंगडम के. ठीक है, क्लास 1 से क्लास 4 में कौन से सब्सटेंस आ रहे हैं, तो वो आते हैं कौन कौन से आ रहे हैं, प्लांट और वेजिटेबल ओरिजिन के ड्रग सब्सटेंसेस आते हैं. इन्हें हम किस मेथड से बना रहे हैं, तो हम लोग 3 मेथड से यूज करके हम लोग 3 ड्रग्स सब्सटेंस जो है वो बना रहे हैं, 3 तरह की मेडिसिन हम लोग बना रहे हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से 3 मेथड है. सबसे पहला मेथड जो है कौन सा है, इमर्शन मेथड. तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमर्शन मेथड से हम कौन सी क्लास की मेडिसिन बना रहे हैं, तो क्लास 1 से लेके क्लास 4, है ना, क्लास 1 से क्लास 4 की जो ड्रग सब्सटेंस है उसे हम किस मेथड से बना रहे हैं, इमर्शन मेथड से. क्लास 1 से क्लास 4 तक की जो ड्रग सब्सटेंसेस है उससे हम क्या बना रहे हैं, इमर्शन मेथड से क्या फॉर्म कर रहे हैं, हम मेडिसिन बना रहे हैं. तो इमर्शन मेथड का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कौन सी क्लास के ड्रग सब्सटेंस के लिए, क्लास 1 से क्लास 4 के ड्रग सब्सटेंसेस के लिए. और इससे हम क्या बना रहे हैं, क्लास 1 से क्लास 4 के लिए क्या बन रहा है, इससे हमें मिल क्या रहा है, मदर टिंचर. ठीक है, ओल्ड मेथड जो है वो किसकी थी, डॉक्टर हैनीमन ने दी थी. हैनीमन की जो ओल्ड मेथड थी उसमें हमने ड्रग सब्सटेंस को कितनी क्लास में डिवाइड किया हुआ है, 9 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. अब उन 9 क्लासेस में से क्लास 1 से लेके क्लास 4 के बीच में जो सब्सटेंस आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आते हैं प्लांट एंड वेजिटेबल किंगडम के. ठीक है, फर्स्ट क्लास 1 से क्लास 4 के बीच में कौन से किंगडम के सब्सटेंस आ रहे हैं, तो प्लांट और वेजिटेबल किंगडम के सब्सटेंस आ रहे हैं. अब हम इसमें कौन सी मेथड यूज करके क्या सब्सटेंस बना रहे हैं, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं,
इमर्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। कौन सी मेथड का? इमर्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। और इस मेथड को यूज करके हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या हमें मिल रहा है? मदर टीचर हमें मिल रहा है। क्लियर है? आपको इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुरानी एग्जाम में पेपर देखेंगे आप तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या पूछा गया है एग्जाम में आपको कि इमर्शन मेथड जो है वो कौन सी क्लास में यूज की गई है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है कि प्लांट एंड वेजिटेबल और जो सब्सटेंस है उनसे अगर हमें मदर टीचर बनाना है तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? ओल्ड मेथड के हिसाब से तो इमर्शन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हमें याद रखनी है। क्लास 1 से क्लास 4 जो है ओल्ड मेथड से अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम इमर्शन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे हमें मदर टिंचर बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट है क्लास 5 से क्लास 6। क्लास 5 से क्लास 6 में हम क्या यूज कर रहे हैं? डिसॉल्विंग मेथड। ये हमारी क्लास 5 से क्लास 6 की है, इसमें हम कौन सी यूज कर रहे हैं मेथड? डिसॉल्विंग। ठीक है, क्लास 5 से क्लास 6, इसमें क्लास 5 में 5A 5B भी आएगा, 6A और 6B भी आएगा। ठीक है, तो 5A 5B 6A 6B ये दोनों क्लास जो है इसमें हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? डिसॉल्विंग मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं क्लास 5A और क्लास 6 में? तो मिनरल एसिड्स एंड मेटल सॉल्युबल इन वाटर आ रहे हैं, और जबकि क्लास 6 में कौन सा आ रहे हैं? मिनरल एसिड एंड मेटल सॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स एंड मेटल जो है सॉल्युबल वाटर में है वो क्लास 5 में आते हैं, और क्लास 6 में कौन से सब्सटेंस आते हैं? मिनरल्स एसिड्स एंड मेटल जो किस में सॉल्युबल है? अल्कोहल में सॉल्युबल है। इन्हें हम किस मेथड से बना रहे हैं? डिसॉल्विंग मेथड से। क्लियर है यहां तक? डिसॉल्विंग मेथड से बनाने के बाद हमें क्या मिल रहा है? मदर सॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्विंग मेथड का यूज करके कौन सी क्लास में हम डिसॉल्विंग मेथड यूज कर रहे हैं? क्लास 5 और क्लास 6। क्लास 5 और क्लास 6 में कौन से ड्रग सब्सटेंस आते हैं? तो मिनरल्स और मेटल्स आ रहे हैं। क्लास 5 में मिनरल्स और मेटल्स जो है और एसिड्स जो है किस में सॉल्युबल है? वाटर में। और क्लास 6 में कौन से मिनरल्स और एसिड्स और मेटल्स आ रहे हैं? जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल है। ठीक है, अब हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं क्लास 5 और 6 के लिए? डिसॉल्विंग मेथड। अब डिसॉल्विंग मेथड का यूज करके हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? मदर सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लियर है? अब हमारी कौन सी आती है? नेक्स्ट क्लास। जो क्लास कौन सी है? अब हमारी बची 7th, 8th और 9th क्लास, है ना? लास्ट की कौन सी है? 7th, 8th और 9th क्लास। अब ये जो क्लास है इसमें हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? ट्राइचुरेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। कौन सी मेथड? कौन सी क्लास बची है हमारे पास में? तो क्लास 7, 8 और 9। क्लास 7, 8 और 9 के लिए हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? ट्राइचुरेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। और हमें इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? मदर सब्सटेंस। क्लियर है? तो हमारी कितनी है टोटल? 3 हमने क्लासेस में डिवाइड, जो टोटल हमारे ओल्ड मेथड हैनीमैन मेथड है उसमें सारे ड्रग सब्सटेंस जो है उनको हमने 9 क्लास में डिवाइड किया है। 9 क्लास को फिर अगेन हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 पार्ट है? फर्स्ट पार्ट कौन सा है? क्लास 1 से क्लास 4 के बीच के जो ड्रग सब्सटेंस आते हैं। क्लास 1 से क्लास 4 के जो ड्रग सब्सटेंस है उसमें हम क्या कर रहे हैं? इमर्शन मेथड का यूज करके जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मदर टिंचर, है ना? उसके बाद फिर हमने क्लास 5 और क्लास 6 को दूसरे पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें हम क्या कर रहे हैं? डिसॉल्विंग मेथड का यूज कर रहे हैं और हम क्या बना रहे हैं? मदर सॉल्यूशन बना रहे हैं। उसके बाद अगला हमने थर्ड जो डिवीजन किया वो कौन सा है? क्लास 7, 8 और 9। क्लास 7, 8 और 9 जो है इनको हमने क्या करा है? कौन सी मेथड यूज करी है? ट्राइचुरेशन मेथड का यूज करके क्या हमने बनाया है? मदर सब्सटेंस बनाया है। ठीक है, तो ओल्ड जो मेथड थी उसमें इस तरह से हमने क्लासेस को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हमने 3 प्रोडक्ट यूज किए। ठीक है, 3 प्रोसीजर को यूज करके, 3 प्रोसेस को यूज करके हमने 3 प्रोडक्ट बनाए हैं। कौन कौन से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं? मदर टिंचर बन रहा है क्लास 1 से क्लास 4 के बीच में, क्लास 5 और क्लास 6 में मदर सॉल्यूशन मिल रहा है, और
क्लास कौन सी हमारी सेवेंथ एथ और नाइन्थ क्लास सेवेंथ एथ और नाइन्थ में हमें क्या मिल रहा है मदर सब्सटेंस मिल रहा है ठीक है ये क्लियर है यहाँ तक आगे बढ़े अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो क्लासेस थी ओल्ड मेथड में जो हमने अलग अलग क्लासेस में ड्रग सब्सटेंसेस लिए थे उसे हमने एक चार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि ये जो मेथड थी इसमें हमने किस तरह से किस रेशियो में ड्रग सब्सटेंस लिया है किस रेशियो में व्हीकल लिया है किसकी कितनी ड्रग पावर है अगर हमें सेंटीसिमल और डेसिमल स्केल में ये बनाना है तो हम कितनी पोटेंसी में हम इसे यूज करेंगे तो आज हम यही चार्ट की हम चर्चा करेंगे ठीक है आगे बढ़े तो हमें अभी तक तो इतना चीज हमें पता चल गई कि ओल्ड मेथड में जो हमने ड्रग सब्सटेंस लिए थे जिनसे हमें मेडिसिन बनानी थी उसमें हमने ड्रग सब्सटेंस को नाइन क्लासेस में डिवाइड कर रखा था अब हम सबसे पहले देख लें कि कौन कौन से सब्सटेंस इसमें आते हैं क्लास वन में कौन से आते हैं क्लास टू में कौन से आते हैं क्लास थ्री में कौन से आते हैं है ना क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि मोस्ट जूसी सब्सटेंसेस जो है वो किस क्लास में आते हैं या फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मिनरल एसिड एंड मेटल सॉल्युबल इन अल्कोहल जो है वो किस क्लास से रिलेटेड रहते हैं तो इस तरह से हमें क्या है पूरा चार्ट हमें याद होना चाहिए तो हम लोग देख लें एक बार कि कौन सी क्लास में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे क्लास वन ठीक है क्लास वन जो है इसमें कौन से सब्सटेंस आ रहे हैं तो हमने ये तो देख लिया कि क्लास वन से लेके क्लास फोर में कौन से किंगडम के आ रहे हैं सब्सटेंस प्लांट एंड वेजिटेबल किंगडम के सब्सटेंस आ रहे हैं ठीक है क्लास वन से क्लास फोर में प्लांट एंड वेजिटेबल किंगडम के सब्सटेंस आ रहे हैं अब क्लास वन में कौन से सब्सटेंस है वो देख लें तो क्लास वन में कौन से आ रहे हैं वेरी जूसी प्लांट्स क्लास वन में कौन से प्लांट्स आ रहे हैं वेरी जूसी प्लांट्स ठीक है उसके बाद फिर क्लास टू में कौन से सब्सटेंस आते हैं मॉडरेट जूसी प्लांट ठीक है क्लास वन में कौन से हैं वेरी जूसी क्लास टू में मॉडरेट जूसी क्लास थ्री में लेस जूसी प्लांट्स और क्लास फोर में कौन से आ रहे हैं वेरी लेस जूसी प्लांट ठीक है तो अपने को टोटल चार क्लास पता चल गई जिसमें वन जो है वो वेरी जूसी है टू में मॉडरेट जूसी थ्री में लेस जूसी और फोर्थ क्लास में वेरी लेस जूसी प्लांट्स आएंगे तो ये हो गई हमारी क्लास वन से क्लास फोर ठीक है अब हम देखेंगे क्लास फाइव अब क्लास फाइव को अगेन हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है क्लास फाइव ए और क्लास फाइव बी ठीक है फाइव ए और फाइव बी में जो है पहले देखेंगे कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं और इसे किस तरह से डिवाइड किया है तो पहला फाइव ए और फाइव बी दोनों में कौन से सब्सटेंस आ रहे हैं मिनरल एंड एसिड्स एंड मेटल्स जो कि किसमें सॉल्युबल है वॉटर में सॉल्युबल है मिनरल एसिड एंड मेटल जो किसमें सॉल्युबल है वॉटर में सॉल्युबल है अब 5A और 5B को हमने अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है 5A में कौन से हैं सब्सटेंस इजीली सॉल्युबल इन वॉटर है ना और 5B में कौन से सब्सटेंस आते हैं जो कि सॉल्युबल है कैसे सब्सटेंस सॉल्युबल इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वॉटर यानी ऐसे सब्सटेंसेस में आते हैं जिसको सॉल्युबल होने के लिए ग्रेटर अमाउंट में वॉटर की नीड है ना इसीलिए ये कौन से 5B में हमने इसे डाल दिया है तो 5 जो क्लास है फिफ्थ क्लास जो है उसे अगेन हमने टू क्लासेस में डिवाइड कर दिया है 5A और 5B 5A में ऐसे सब्सटेंस है जो इजीली वाटर में सॉल्युबल है और 5B ऐसे सब्सटेंस है जिसे ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत है ठीक है अगला हम आगे बढ़ते हैं क्लास सिक्स में कौन से मिनरल्स हैं एसिड्स हैं और मेटल्स हैं जो अल्कोहल में सॉल्युबल है और इसे भी हमने किसमें दो क्लासेस में सब डिवाइड कर दिया है 6A और 6B अब 6A क्लास में कौन से सब्सटेंस हैं जो इजीली सॉल्युबल है अल्कोहल में और 6B में कौन से सब्सटेंस हैं जिन्हें लार्ज अमाउंट में अल्कोहल की जरूरत है सॉल्युबल होने के लिए ठीक है तो ये हो गई कौन सी हमारी क्लास 6 अब हम आगे बढ़ेंगे क्लास 7th क्लास में कौन से ड्रग सब्सटेंस आते हैं वो हम देख लें ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस नाइदर सॉल्युबल इन वॉटर और एल्कोहल कौन से सब्सटेंस आ रहे हैं आपको कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे ड्राई सब्सटेंस जो कि वॉटर और एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है वो किस क्लास में से बिलोंग करते हैं तो कौन सी क्लास की है वो 7th क्लास के सब्सटेंस है या फिर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्लास के सब्सटेंस जो है जिन्हें लार्ज अमाउंट में एल्कोहल की जरूरत है तो 6B क्लास की है ना और नॉर्मल अगर अल्कोहल में सॉल्युबल है सब्सटेंस तो वो 6A क्लास के सब्सटेंस हुए ठीक है तो लार्ज ऐसे ड्राई सब्सटेंस ऐसे ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस जिन्हें जो कि सॉल्युबल नहीं है किसमें
वाटर में भी सॉल्युबल नहीं है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल नहीं है, वो सब्सटेंस किस कैटेगरी में आते हैं, सेवेंथ क्लास में आ रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लास एट, क्लास एट में कौन से, क्लास में कौन से देखे थे, ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस थे, एट क्लास में कौन से सब्सटेंस है, लिक्विड मेडिसिनल सब्सटेंस, जो किसमें सॉल्युबल नहीं है, ना ही वाटर में सॉल्युबल है और ना ही अल्कोहल में सॉल्युबल है। तो एट क्लास में कौन से मेडिसिनल सब्सटेंस आते हैं, सारे लिक्विड मेडिसिनल सब्सटेंस जो ना ही वाटर में सॉल्युबल है और ना ही अल्कोहल में सॉल्युबल है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्लास नाइन्थ, नाइन्थ क्लास में फ्रेश वेजिटेबल एंड ड्रग सब्सटेंसेस आते हैं, कौन से वाले आते हैं, फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस है जिन्हें हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई क्लास नाइन। तो ओल्ड मेथड जो थी, हैनीमैन की जो मेथड थी, उसमें हमने क्या देखा कि जितने भी ड्रग सब्सटेंस है उन्हें हमने नाइन क्लास में डिवाइड किया। अब उसके बाद हमने देखा कि क्लास वन से क्लास फोर जो थे उसमें प्लांट एंड वेजिटेबल ओरिजिन के सब्सटेंस थे, क्लास फाइव में मिनरल और एसिड और मेटल जो थे वो वाटर में सॉल्युबल थे, क्लास सिक्स में मिनरल एसिड और मेटल जो थे वो किसमें, अल्कोहल में सॉल्युबल थे, फिर क्लास सेवन जो थी उसमें ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस है जो ना वाटर में सॉल्युबल है ना अल्कोहल में सॉल्युबल है, क्लास एट में लिक्विड मेडिसिनल सब्सटेंस है जो कि वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है, और क्लास नाइन में फ्रेश वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस है जो कि प्रिजर्व नहीं किए। तो ये हो गई हमारी टोटल नाइन क्लासेस, है ना। अब हमने इसे और डिवाइड किया है, हम आगे देखेंगे इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में और डिवाइड किया है कि इन्हें हम किस पोटेंसी में बनाएंगे, इसकी पावर कितनी होगी, अगर हम ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल यूज कर रहे हैं तो उसका क्या रेशियो होगा वो हम देख लें। अब हम देखेंगे हैनीमैन जी जो थे, जब उन्होंने मेडिसिन बना रहे थे, ओल्ड मेथड से मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले कौन सी क्लास की मेडिसिन बनाई थी और उसमें कौन सी मेडिसिन यूज की थी, है ना। तो हैनीमैन जी की मेथड जो थी वो हम क्या बोलते हैं, ओल्ड मेथड। तो जब हैनीमैन ने अपनी मटीरिया मेडिका प्यूरा, जो फर्स्ट उनकी मेडिसिन की बुक थी मटीरिया मेडिका प्यूरा में, कौन सी मेडिसिन थी जो ओल्ड मेथड से प्रिपेयर की थी, तो क्लास वन में कौन सी मेथड थी, मेडिसिन थी बेलाडोना। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, थूजा जो है, या तो फिर सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्लास टू में मटीरिया मेडिका प्यूरा में सबसे पहले कौन सी मेडिसिन बनाई गई थी हैनीमैन के ओल्ड मेथड से, तो वो कौन सी थी, थूजा मेडिसिन थी। क्लास वन में कौन सी मेडिसिन बनाई थी, बेलाडोना। तो ओल्ड मेथड से हैनीमैन ने अपने मेथड से मटीरिया मेडिका प्यूरा में सबसे पहले कौन सी मेडिसिन बनाई थी, क्लास वन में बेलाडोना, ठीक है। क्लास वन में कौन सी मेडिसिन बनाई थी, बेलाडोना। क्लास टू में कौन सी मेडिसिन बनाई थी, क्लास टू में थूजा। क्लास थ्री में सिला। क्लास फोर में स्टेफिसेग्रिया एंड स्पाइजेलिया, स्टेफिसेग्रिया एंड स्पाइजेलिया, ठीक है। उसके बाद फाइव ए फाइव बी में कोई मेडिसिन नहीं है, सीधे कहां पर हम आ गए, क्लास सिक्स ए में, है ना। क्लास सिक्स ए में कौन सी मेडिसिन बनाई है, ग्वैकम। फिर सेवेंथ में कोई सी, सॉरी सिक्स बी में कोई सी मेडिसिन नहीं बनाई है, सीधे हम आ गए कौन सी, सेवेंथ क्लास में। सेवेंथ क्लास में कौन सी बनाई है, आर्सेनिक। कौन सी मेथड से बनाई है, ओल्ड हैनीमैनियन मेथड से, किसमें दिया हुआ है, मटीरिया मेडिका प्यूरा में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास एट में कौन सी मेडिसिन है, पेट्रोलियम, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्लास एट में कौन सी मेडिसिन बनाई गई थी ओल्ड हैनीमैनियन मेथड से, वो कौन सी है, पेट्रोलियम, ठीक है। और लास्ट हमारी नाइन्थ क्लास, कौन सी मेडिसिन बनाई है, एगेरिकस, ठीक है। तो हैनीमैन जी ने सबसे पहले कौन सी मेडिसिन बनाई थी ओल्ड मेथड को यूज करके, क्लास वन में बेलाडोना बनाई थी, क्लास टू में थूजा बनाई थी, क्लास थ्री में सिला बनाई थी, क्लास फोर में स्टेफिसेग्रिया एंड स्पाइजेलिया बनाई थी, क्लास फाइव और फाइव बी में कोई सी नहीं थी, सीधे क्लास सिक्स ए में कौन सी थी, ग्वैकम। सिक्स बी में कोई सी मेडिसिन नहीं थी, सीधे हम कहां पहुंच गए, क्लास सेवेंथ में, सेवेंथ में कौन सी बनाई थी, आर्सेनिक। क्लास एट में पेट्रोलियम और क्लास नाइन्थ में थी एगेन। इस तरह से टोटल नाइन क्लासेस में हैनीमैन ने सबसे पहले ये मेडिसिन बनाई थी। अब अगला हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ड्रग व्हीकल एंड ड्रग सब्सटेंस में क्या रेशियो है ना। अगला जो चार्ट बनाया था वो क्या था,
कि हमने जो ड्रग सब्सटेंस लिया है वो और उसके लिए जो हमने व्हीकल यूज किया है उसका क्या रेशो है। तो आप सबको पहले एक चीज और बता दें कि हमने ओल्ड मेथड से जब ड्रग बनाई थी तो उसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग एल्कोहल जो है वो व्हीकल के लिए यूज किया था। आपको हमेशा क्वेश्चन ये वाला भी पूछा गया है गवर्नमेंट की एग्जाम में कि ओल्ड मेथड से जब हम ड्रग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग व्हीकल में क्या यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एल्कोहल हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। ये चीज याद रखिएगा कि व्हीकल के लिए हम कौन सा व्हीकल यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल जो है वो यूज कर रहे हैं जब ओल्ड मेथड से हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए, अब हम देखेंगे ओल्ड मेथड में कौन कौन से हम ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल का रेशियो लेंगे, है ना। क्लास वन में हम ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल का क्या रेशियो रहेगा, टू में, थ्री में, फोर में क्या रेशियो रहेगा वो हम देख लें। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास वन में ड्रग सब्सटेंस और हमारा जो व्हीकल है, व्हीकल हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, है ना। ड्रग सब्सटेंस और स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का क्या रेशियो है क्लास वन में, 1:1। क्लास टू में क्या रेशियो है, 3:2। मतलब 3 पार्ट हम क्या ले रहे हैं, ड्रग सब्सटेंस ले रहे हैं, 2 पार्ट हम क्या ले रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं। व्हीकल में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल यूज कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास थ्री में हम क्या रेशियो यूज कर रहे हैं, 1:2, 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस, 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग एल्कोहल। अब हम आ जाएंगे क्लास फोर में, क्लास फोर में हम क्या रेशियो यूज कर रहे हैं, 1:5, 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस, 5 पार्ट स्ट्रॉन्ग एल्कोहल व्हीकल, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास 5A में क्या रेशियो है, 1:9, और 5B में क्या रेशियो है, 1:99, यानी 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस का, 99 पार्ट स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का हम लोग यूज कर रहे हैं। सेम क्लास 6A में हम देखें रेशियो क्या है, 1:9, और 6B में क्या है, 1:99, ठीक है। जैसे हमने क्लास 4 में देखा था, सॉरी 5 में क्या देखा था, 5 में A में क्या है, 1:9 का रेशियो, और B में क्या है, 1:99 का। वैसे ही 6A में 1:9 और 6B में 1:99 का रेशियो हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्लास 7, क्लास 7 में हम लोग क्या रेशियो यूज कर रहे हैं, 1:99 और 1:9 इन शुगर ऑफ मिल्क। क्या है क्लास 7 में, आपको याद है क्लास 7 जो है उसमें कौन से सब्सटेंस है, ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस है, है ना। ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस है, इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो शुगर ऑफ मिल्क क्यों ले रहे हैं हम लोग, व्हीकल हमारे लिए क्या है, शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 1:9 और 1:99। क्लास 8 क्या है, 1:9 और 1:99 शुगर ऑफ मिल्क व्हीकल। और क्लास 9 जो है उसमें क्या रेशियो हम लोग यूज कर रहे हैं, 2:9, है ना, 2 पार्ट ड्रग सब्सटेंस और 9 पार्ट हमारा व्हीकल, ठीक है। तो क्लास 9 में हम क्या रेशियो यूज कर रहे हैं, 2:9। तो ये हो गया क्या, हमने ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल का क्या रेशियो लिया। अब हम क्या देखेंगे, इनसे हमें कौन सी ड्रग पावर में मेडिसिन मिल रही है। क्लास 1 में जो मिलेगी मेडिसिन उसकी ड्रग पावर क्या होगी, क्लास 4 में जो मेडिसिन मिल रही है उसकी ड्रग पावर क्या होगी। तो ड्रग पावर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे एक नया क्वेश्चन आया ही है, हर बार की एग्जाम में आप देखेंगे पेपर उठा के, तो हर एग्जाम में आप पीजी के पेपर देख लीजिए, एमडी के, सॉरी उसके अलावा आप गवर्नमेंट के पेपर उठा के देखेंगे, सभी में आपको एक क्वेश्चन ड्रग पावर से पूछा ही गया है, ठीक है। इसीलिए इस चार्ट को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। अब हम देखें ड्रग पावर, तो ड्रग पावर अगर हम क्लास 1 में मेडिसिन तैयार करेंगे तो हमें ड्रग पावर क्या मिलेगी, 1:2, है ना। उसके बाद जैसे क्लास 2 है, क्लास 2 में हमें ड्रग पावर क्या मिलेगी, 1:2 में। क्लास 3 में, क्लास 3 है, 3 का हम डबल कर लें, 1:6, 1:6, ठीक है। फिर उसके बाद हम किस में आ गए, क्लास 4 में क्या पावर मिलेगी हमें, ड्रग पावर 1:10। क्लास 5 में 1:10, 5A में, है ना। 5B में हमें क्या मिलेगी, 1:100। अब क्लास आप देखिएगा 5A, 5B, 6A, 6B में दोनों चीजें लगभग सेम है। 5A में अगर हम देखें व्हीकल और ड्रग सब्सटेंस का रेशियो 1:9, 1:99 है। क्लास 6A, 6B में 1:9, 1:99 है। वैसे ही ड्रग पावर है, क्लास 5A में ड्रग पावर 1:10 है और क्लास 5B में 1:100 है। सेम वैसे ही क्लास 6A में ड्रग पावर कितनी है, 1:10, और 6B में 1:100, ठीक है। ये दोनों आपको याद करने में इजी रहेगा, क्या है, 5A, 5B में
1/10, 1/100, 6 से 6 वी में 1/10, 1/100, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये हो गई हमारी ड्रग पावर। उसके बाद फिर क्लास सेवन में ड्रग पावर 1/10 और 1/100, सेम क्लास एट में 1/10 या 1/100 और क्लास नाइन्थ में 1/10/100। तो तीनों की क्लास सेम है, 1/10, 1/10, 1/10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सेंटिसिमल स्केल से अगर हमें ये ड्रग बनानी है तो हमें कितना रेशियो यूज करना होगा। ठीक है, हमें ड्रग सब्सटेंस और हमारा जो व्हीकल है उसका हम कितना रेशियो यूज करेंगे और सेंटिसिमल स्केल से हम मेडिसिन तैयार करेंगे वो हम देख लें। तो टू पार्ट हमारा क्या लेंगे, ड्रग सब्सटेंस का लेंगे और 98 पार्ट हम क्या लेंगे, डाइल्यूट एल्कोहल। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले जितनी बार भी हमने मेडिसिन बनाई थी व्हीकल हम कौन सा यूज कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल यूज कर रहे थे। ये बात आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है कि इसके पहले अभी तक हम व्हीकल जो यूज कर रहे थे वो स्ट्रॉन्ग एल्कोहल ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या बना रहे हैं, सेंटिसिमल स्केल में, सेंटिसिमल स्केल से अगर हम मेडिसिन तैयार कर रहे हैं तो हम डाइल्यूट एल्कोहल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रग सब्सटेंस जो है वो हम क्या ले रहे हैं, 2 पार्ट ड्रग सब्सटेंस और 98 पार्ट हम क्या ले रहे हैं, डाइल्यूटेड एल्कोहल। तो क्लास वन से अगर हम सेंटिसिमल स्केल से मेडिसिन तैयार करेंगे तो हमें क्या रेशियो यूज करना रहेगा, 2 पार्ट हम ड्रग सब्सटेंस लेंगे और 98 पार्ट हम डाइल्यूटेड एल्कोहल यूज करेंगे। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे क्लास टू में अगर हमें मेडिसिन तैयार करना है सेंटिसिमल स्केल से, ठीक है, तो हम क्या पार्ट लेंगे, 2 पार्ट हम किसका लेंगे, ड्रग सब्सटेंस का लेंगे और 98 पार्ट हम किसका लेंगे, डाइल्यूट एल्कोहल का पार्ट यूज करेंगे। तो क्लास वन में और क्लास टू में रेशियो क्या है, 2:98, 2:98। अब हम आ जाए क्लास थ्री में। थ्री में हर चीज डबल है, जैसे अपन ने ड्रग पावर देखी थी तो 3 का डबल था 1/6 है ना, वैसे यहाँ पर 3 का डबल 6 पार्ट हम ड्रग सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं और 94 पार्ट हम डाइल्यूटेड एल्कोहल का यूज कर रहे हैं। आपको याद करने में भी इजी पड़ेगा कि जब भी हम क्लास थ्री में आते हैं तो 3 का जस्ट डबल ड्रग पावर होता है 1/6, और वैसे ही हम लोग जब सेंटिसिमल स्केल से हम क्लास थ्री की मेडिसिन तैयार कर रहे हैं तो हम 6:94 का रेशियो यूज करें, 6 पार्ट ड्रग सब्सटेंस, 94 पार्ट हमारा डाइल्यूटेड एल्कोहल। ठीक है, अब हम आ जाए क्लास फोर में हम क्या यूज कर रहे हैं, 10 पार्ट ड्रग सब्सटेंस और 90 पार्ट हम किसका यूज कर रहे हैं, डाइल्यूटेड एल्कोहल का। ठीक है, सेम क्लास 5A में भी हम लोग 10 पार्ट ड्रग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं और 90 पार्ट हमारा डाइल्यूटेड एल्कोहल। अब हम आ जाते हैं क्लास 5B में। ठीक है, तो क्लास 5B जो है वो किसको करेस्पॉन्ड करती है, 1C पोटेंसी। नेक्स्ट है क्लास 6A, सेम हम लोग पोटेंसी यूज कर रहे हैं, इसमें भी 10 पार्ट ड्रग सब्सटेंस का और 90 पार्ट हमारा एल्कोहल, डाइल्यूटेड एल्कोहल का यूज कर रहे हैं। फिर क्लास 6B भी जो है वो किसको, 1C सेंटिसिमल पोटेंसी को करेस्पॉन्ड कर रही है। क्लास एट जो है ये भी 1C पोटेंसी को करेस्पॉन्ड कर रही है, सेम क्लास 8 और 9th में, है ना। तो ये हो गई हमारे क्या, सेंटिसिमल स्केल में अगर हमें क्लासेस को तैयार करना है मेडिसिन को तो हम कितने रेशियो में ड्रग सब्सटेंस और कितने रेशियो में डाइल्यूटेड एल्कोहल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे डेसिमल स्केल, डेसिमल पोटेंसी में अगर हमें मेडिसिन तैयार करनी है तो कितना रेशियो हम ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल का यूज करेंगे। तो क्लास किसमें, डेसिमल स्केल में अगर हमें बनाना है तो 2 पार्ट जो है मेडिसिन का, ड्रग सब्सटेंस का, और 1 पार्ट हम व्हीकल का यूज कर रहे हैं, 2:8 का रेशियो। नेक्स्ट क्लास 2 के लिए भी 2:8 का रेशियो। क्लास 3 में 6:4 का जस्ट डबल हो जाता है, हर चीज याद रखना, क्लास जब थर्ड की बात आती है तो 6:94 का या 6:4 का रेशो या 1/6 का पोटेंसी होती है। अब हम आ जाए क्लास 4 में, तो ये किसको, ये पोटेंसी जो है, डेसिमल पोटेंसी जो होती है उसे हम किस में लिखते हैं, 1x से लिखते हैं, है ना। तो ये किसको करेस्पॉन्ड करती है, डेसिमल स्केल में 1x पोटेंसी को करेस्पॉन्ड कर रही है। सेम क्लास 5A में भी ये किसको करेस्पॉन्ड कर रही है, 1x पोटेंसी को। अब हम आ जाए किसमें, क्लास 5B में, तो क्लास 5B जो है वो 2x पोटेंसी को करेस्पॉन्ड कर रही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फिर से किसमें, क्लास 6A में, ये भी 1x पोटेंसी को करेस्पॉन्ड कर रही है, और 6B जो है वो 2x पोटेंसी को,
तो क्लास आप हमेशा याद रखिएगा 5A 5B 6A 6B का लगभग एक जैसा चलता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 5A किसको 1x पोटेंसी को करस्पॉन्ड कर रही है और 5B किसको 2x को, वैसे ही 6A किसको 1x पोटेंसी को करस्पॉन्ड कर रही है, 6B किसको कर रही है 2x पोटेंसी को करस्पॉन्ड कर रही है। अब हम आ जाए किसमें, 7th क्लास में 1x पोटेंसी, 8th क्लास में 1x पोटेंसी और 9th क्लास में भी 1x पोटेंसी को करस्पॉन्ड कर रही है। तो 7th 8th और 9th क्लास में अगर हम सेंटीसिमल और डेसिमल स्केल से अगर हम मेडिसिन तैयार कर रहे हैं तो ये सेंटीसिमल में 1c पोटेंसी को करस्पॉन्ड कर रही है और डेसिमल स्केल में किसको 1x पोटेंसी को करस्पॉन्ड कर रही है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि डेसिमल स्केल को हम कैसे लिखते हैं, तो x से शो कर रहे हैं, ठीक है। सेंटीसिमल स्केल को हम कैसे शो कर रहे हैं, c से, CH से, है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सेंटीसिमल स्केल को हम कैसे लिखते हैं, c से या CH से। डेसिमल स्केल में हम पोटेंशियल कैसे शो करते हैं, x से, ठीक है। आगे बढ़े, आप देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एज पर ब्लूम मेथड। अभी तक क्या थी, हमने जो मेडिसिन देखी थी क्लासेस में हमने डिवाइस किया था वो कौन सी थी, ओल्ड मेथड थी। ओल्ड मेथड जो थी वो कौन लेकर आए थे, हैनीमन जी लेकर आए थे। अब हमें न्यू मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कमियां थी ओल्ड मेथड में जो हमने मेडिसिन को न्यू मेथड से तैयार किया था, कौन लेकर आए थे न्यू मेथड, तो अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया और ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो न्यू मेथड को लेकर आए थे। न्यू मेथड लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि ओल्ड मेथड से जो हमने मेडिसिन तैयार की थी उसमें पोटेंसी सब जगह अलग अलग थी। क्यों, क्योंकि हर क्लास में मॉइस्चर का कंटेंट जो था वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा था। डिफरेंट डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट की वजह से पोटेंसी जो थी वो अलग अलग मिल रही थी हमें, इसीलिए क्या करने की जरूरत पड़ी, न्यू मेथड लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। लेकिन जो जर्मनी में मेडिसिन यूज की जाती है आज भी वहां पर कौन सी मेथड यूज की जाती है, ओल्ड हैनीमैनियन मेथड यूज की जाती है। यानी जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में अभी भी ओल्ड मेथड से मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती है, ओल्ड मेथड यानी हैनीमैनियन मेथड, ठीक है। न्यू मेथड जो थी वो कौन लेकर आए थे, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में, और ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो न्यू मेथड्स को लेकर आए। क्यों जरूरत पड़ी, आप लोगों को क्लियर हो गया क्यों जरूरत पड़ी थी, क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंट पोटेंसी मिल रही थी, अलग अलग क्लासेस में मॉइस्चर लेवल जो था वो अलग अलग हो रहा था, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा कि नए मेथड लाने की जरूरत पड़ी। अब हम देखेंगे, यानी कि जो पोटेंसी थी जो हमें मेडिसिन मिल रही थी उसमें क्या था, यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल रही थी पोटेंसी में, इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, न्यू मेथड लाने की जरूरत पड़ी। आगे देखें कौन कौन सी न्यू मेथड होती है जिससे हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को तैयार कर रहे हैं। पिछली मेथड में हमने देखा था 3 मेथड यूज की थी हम लोगों ने और 3 सब्सटेंस मिल रहे थे हमें। अब हम देखेंगे न्यू मेथड जो है उसमें हम कौन कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं और हमें क्या सब्सटेंस मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, जो हमारी न्यू मेथड है इसमें ड्रग स्ट्रेंथ जो है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, और हमें इसमें क्या मिलेगा, सिर्फ मदर टिंचर मिलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, मेडिसिंस प्रिपेयर्ड अंडर न्यू मेथड हैव ड्रग पावर 1/10, सम मेडिसिन अंडर न्यू मेथड डू नॉट हैव ड्रग पावर 1/10। अब कुछ मेडिसिन को छोड़ के लगभग सभी मेडिसिन की ड्रग पावर लगभग सेम थी, है ना। हमने न्यू मेथड क्यों लेकर आए थे, क्योंकि ओल्ड मेथड में हमें जो मेडिसिन मिल रही थी उनकी ड्रग पावर अलग अलग थी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग था, इसीलिए तो हम लोग न्यू मेथड लाए। अब न्यू मेथड जो था उसमें लगभग सभी मेडिसिन में सेम ड्रग पावर थी, कितनी थी, 1/10, लेकिन कुछ मेडिसिन में जो थी वो ड्रग पावर सेम नहीं थी। अब वो कौन सी मेडिसिन है जिनमें नहीं है वो हमें देखना है और इन्हें हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिर्फ यही पूछा जाता है कि सल्फर क्यू है इसकी कितनी ड्रग पावर होगी, है ना, तो कितनी है, 1/5000, या फिर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है 1/5000 किसकी ड्रग पावर, तो सल्फर की ड्रग पावर कितनी है, 1/5000। 1/20 किसकी है, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस की और लोफोफोरा विलेम्साई की और मोस्कस क्यू की, इन सबकी कितनी है ड्रग पावर, 1/20। अब नेक्स्ट है 1/100, 1/100 ड्रग पावर किस किस की है, एम्ब्राग्रेसिया, क्रोटेंटिक की, क्लोनाइनम की, काली आर्थ की, मेफाइटिस की, मर्क्यूरियस रोम की, मर्क्यूरियस साइनेंथस की, सक्सिनी की,
थेलियम, एसिटिकम की, इन सब की ड्रग पावर जो है वो कितनी है, 1/100। आपको पुराने आप पेपर देखेंगे, लेटेस्ट में 2019-20 का पीजी का पेपर देखिएगा, उसमें पूछा गया है फास्फोरस क्यू की ड्रग पावर कितनी है, 1/667, है ना। या फिर इसने ही बस पूछ लिया गया है 1/667 जो ड्रग पावर है वो किसकी है, सल्फर है, फास्फोरस है, अमरांग्रेसिया है, मेफाइटिस है, है ना। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, फास्फोरस क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1/1000, 1/1000 ड्रग पावर किसकी है, कॉस्टिकम की, कितनी है, 1/1000, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1/1000 कैसे है, वो कैसे बताई है कि हमने 500 सीसी कॉस्टिकम लिया है, ड्रग सब्सटेंस लिया है, और 500 सीसी क्या यूज किया हमने, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल को यूज किया है। इस तरह से इसकी ड्रग पावर कितनी बन रही है, 1/1000, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1/1000 और किसकी है ड्रग पावर, क्लोरीनम क्यूब सॉल्यूशन इन प्यूरिफाइड वाटर, 1/1000 और किसकी है, कॉर्टिसोन क्यू इन स्ट्रॉन्ग एल्कोहल। अब ये चीज हमें याद रखना है, 1/1000 तीन मेडिसिन की है ड्रग पावर, लेकिन सबकी अलग अलग व्हीकल है, ठीक है। 1/1000 अगर हम कॉस्टिकम क्यू देखें तो ये किस, इसमें व्हीकल क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल यूज किया गया है, है ना। उसके बाद 1/1000 क्लोरीनम क्यू है, इसमें सॉल्यूशन क्या है, इन प्यूरिफाइड वाटर, और 1/1000 और किसकी है, कॉर्टिसोन क्यू की है और स्ट्रॉन्ग एल्कोहल में, ठीक है। तो अलग अलग 1/1000 पावर है, किस किस की है, कॉर्टिसोन, क्लोरीनम और कॉस्टिकम की। तो न्यू मेथड से जो हमने मेडिसिन बनाई थी उनमें सभी की ड्रग पावर सेम थी, कुछ को छोड़ के। वो कौन सी है, तो वो हमने देखा सल्फर है, कैक्टस है, एम्ब्राग्रेसिया है, कॉस्टिकम है, क्लोराइनम है और कॉर्टिसोन है ना। ये सबकी जो है ड्रग पावर 1/10 से अलग है, क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ने, अब आपको एग्जाम में पूछा गया है एग्जाम में व्हाट इज मैग्मा, मैग्मा क्या होता है और मेंस्टम क्या होता है, है ना। तो मैग्मा क्या है, एनी क्रूड मिक्सचर ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्लांट और एनिमल इन अ थिन पेस्टी स्टेट डफी मास रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन। मतलब जब हमने उसमें से लिक्विड, कोई जो पार्ट है उसको हमने क्या करा, उसको छन्ने से छान लिया और उसमें से लिक्विड को हटा के जो डफी मास बचता है हमारे पास में, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, है ना। तो मैग्मा जो है वो क्या है, एनी क्रूड मिक्सचर ऑफ मिनरल ऑर्गेनिक मटीरियल और प्लांट मटीरियल और एनिमल मटीरियल का पेस्टी स्टेट या फिर जो डफी मास है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मैग्मा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, मेंस्ट्रम, व्हाट इज मेंस्ट्रम, मेंस्ट्रम क्या होता है, इट इज अ लिक्विड कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स और एनिमल सब्सटेंस एंड कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग द एक्टिव प्रिंसिपल। मेंस्ट्रम ऐसा एक्टिव पार्ट है, किसका, ऐसा लिक्विड है जो कि ड्रग सब्सटेंस में से उसकी जो डायनेमिक पावर उसे बाहर निकाल दे, ऐसा क्या है, इसमें ऐसी पावर है, ऐसी पेनिट्रेटिंग पावर है जो प्लांट में से उसके टिश्यू में से उसकी डायनेमिक पावर को बाहर निकाल सके। तो मैग्मा क्या है, इट इज द लिक्विड कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द टिश्यू ऑफ प्लांट्स और एनिमल सब्सटेंस एंड कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग द एक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके एक्टिव प्रिंसिपल को डिसॉल्व करने में हेल्प कर सकता है कौन, मेंस्टम, है ना। ऐसा पार्ट है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि जो एनिमल और हमारा दूसरा कौन सा, प्लांट की जो टिश्यूज हैं उनको पेनिट्रेट करके उसमें से उसकी जो एक्टिव पार्ट है उसे बाहर निकाल सकता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्टम, ठीक है। क्लियर है व्हाट इज मैग्मा, व्हाट इज मेंस्टम, क्लियर हुआ आप लोगों को। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मर्क। मर्क क्या होता है, इट इज द इनर्ट फाइबरस इनसॉल्युबल मटीरियल रिमेनिंग आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ जूस फ्रॉम ड्रग मटीरियल्स आफ्टर मैसिरेशन और परकोलेशन। हमने मैसिरेशन और परकोलेशन मेथड से जब ड्रग बना रहे हैं हम लोग, उस समय जब एक्सप्रेशन ऑफ हमने क्या करा, जूस एक्सप्रेशन कर लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मर्क, क्लियर है। अब देखेंगे इन न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन आफ्टर कैलकुलेटिंग द वॉटर कंटेंट मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब हम क्या देख रहे हैं, जो न्यू मेथड है उसमें हम मदर टिंचर किस किस तरीके से बना रहे हैं, मदर टिंचर किस तरह बना रहे हैं, मैसिनेशन से और परकोलेशन से, ठीक है।
ओल्ड मेथड में हमने क्या करा था, ओल्ड मेथड में हैनिमेनियन मेथड थी जिसमें हम तीन मेथड यूज की थी, ठीक है। न्यू मेथड में हम जब मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कौन सी मेथड से बना रहे हैं, मैसीरेशन से और परकोगेशन से। क्लियर है, आप लोगों को याद रखना है। न्यू मेथड जो थी वो किसने, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ने और ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो न्यू मेथड लेकर आए थे। लेकिन जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो थे वो क्या कर रहे थे, वो ओल्ड मेथड को ही यूज कर रहे हैं आज भी, है ना। उन्होंने अभी भी हैनिमेनियन मेथड से या ओल्ड मेथड से ही मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है, क्यों आई न्यू मेथड, क्योंकि ओल्ड मेथड में सभी मेडिसिन की अलग अलग ड्रग पावर थी और उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो थे वो अलग अलग थे, इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, न्यू मेथड लेकर आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें फिर क्या थी, सबकी ड्रग पावर लगभग सेम थी, एक्सेप्ट कुछ, एक्सेप्ट हमने देखा था 1/5000 सल्फर की थी, 1/1000 कॉस्टिकम थी, फास्फोरस की अलग थी, 1/227, है ना। तो इनकी जो मेडिसिनल पावर थी, बस इनकी कुछ मेडिसिंस की अलग थी, बाकी सबकी ड्रग पावर जो है लगभग सेम थी, इसीलिए हम लोग न्यू मेथड लाए। न्यू मेथड से हम जो ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं वो कौन कौन सी दो मेथड है, मैसीरेशन और परकोगेशन, है ना। ओल्ड मेथड से हम कौन कौन सी मेथड यूज कर रहे थे, ऑथर, और न्यू मेथड में तो यही बताया गया है कि ये सब लोग लेकर आए थे, हमारे जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया में है और अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया थे वो लेकर आए थे न्यू मेथड, फिर भी मैं आपको और बताऊंगी सर्च करके। इसके बाद हम देखेंगे ओल्ड मेथड में तीन मेथड यूज करी थी, कौन कौन सी, इमर्शन मेथड थी, है ना, उसके बाद डिसॉल्विंग मेथड थी और थर्ड कौन सी थी, ट्राइचुरेशन। ओल्ड मेथड में कौन सी तीन मेथड थी, फर्स्ट इमर्शन मेथड, कौन कौन सी क्लास के लिए थी, फर्स्ट टू फोर्थ क्लास के लिए हम लोग इमर्शन मेथड यूज करके क्या बना रहे थे, मदर टिंचर बना रहे थे। फिर उसके बाद क्लास फाइव और क्लास सिक्स में हम लोग डिसॉल्विंग मेथड यूज कर रहे थे और हमने क्या बनाया था, मदर सॉल्यूशन बनाया था। फिर नेक्स्ट हमने थर्ड कौन सी क्लास के लिए, क्लास सेवन एट और नाइन्थ क्लास के लिए कौन सी मेथड यूज की थी, ट्राइचुरेशन मेथड यूज की थी और उससे हमें क्या प्राप्त हुआ था, मदर सब्सटेंस मिला था। ये थी हमारी कौन सी, ओल्ड मेथड। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू मेथड यूज कर रहे हैं। न्यू मेथड में कौन सी मेथड से हम ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं, मैसीरेशन और परकोगेशन। याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा, कौन सी न्यू मेथड है और कौन सी ओल्ड मेथड है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं मैसीरेशन और परकोगेशन पर। तो क्या होता है मैसीरेशन, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ गमी एंड म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस विद विसिड जूस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यदि आपके पास में गमी और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस हैं तो कौन सी मेथड का आप यूज करेंगे, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, मैसीरेशन, ठीक है। मोस्ट जूसी गमी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है और अगर हमें उसे न्यू मेथड से प्रिपेयर करना है तो कौन सी मेथड यूज करेंगे हम उसके लिए, मैसीरेशन मेथड यूज करेंगे। क्लियर है, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम अ ड्रग by allowing the latter to remain at room temperature in contact with the solvent for several days with frequent agitation. Time कितना चाहिए, 2 to 4 weeks. आपको ये question पूछा गया है कि maceration के लिए कितना time की जरूरत है, 2 to 4 weeks की, ठीक है। Maceration के लिए हमें कितने समय की जरूरत पड़ती है, 2 to 4 weeks की। Temperature should be maintained 15 degree to 20 degree centigrade. Temperature कितना होना चाहिए, 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम कितना चाहिए हमें, 2 to 4 weeks, कौन सी प्रोसेस के लिए, मैसीरेशन प्रोसेस के लिए। कौन से सब्सटेंस के लिए हम मैसीरेशन प्रोसेस यूज करेंगे, मोस्ट जूसी गमी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस के लिए मैसीरेशन प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, परकोलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, परकोलेशन। परकोलेशन इज अडॉप्टेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्राई वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस, है ना। ड्राई वेजिटेबल एनिमल सब्सटेंसेस के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, परकोलेशन मेथड यूज कर रहे हैं। सॉफ्ट गमी एंड नॉन म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। कौन से मेथड, कौन से सब्सटेंस के लिए हम लोग परकोलेशन यूज कर रहे हैं, ड्राई, ठीक है, जो कैसे हैं, ड्राई हैं और वेजिटेबल और एनिमल किंगडम के सब्सटेंस हैं, जो सॉफ्ट हैं, गमी हैं और नॉन म्यूसिलेजिनस हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के लिए हम परकोलेशन मेथड का यूज करेंगे, है ना। अब आगे देखें,
इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ ड्रग एंड प्रिपेयरिंग द मदर टिंचर बाय द पैसेज ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू द पाउडर ड्रग कंटेन इन अ सुटेबल वेसल कॉल्ड परकोलेटर. इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं परकोलेटर का हम लोग यूज करते हैं. फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम एज पर डायरेक्शन स्पेसिफाइड इन फार्मेकोपिया. परकोलेशन यूजली रिक्वायर्स 24 आवर्स. टाइम कितना चाहिए इसके लिए, 24 आवर्स. फॉर एक्सट्रैक्शन परकोलेटर्स आर मेड अप ऑफ, आपको अभी सीएचओ की जो एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कि परकोलेटर जो है वो किससे बने होते हैं, ग्लास कॉपर स्टेनलेस स्टील और पोर्सलेन ऑफ अलॉयस, है ना. मटेरियल पूछा गया आप लोगों को एग्जाम में कि परकोलेटर जो है वो किससे बने होते हैं, ग्लास कॉपर स्टेनलेस स्टील और पोर्सलेन ऑफ अलॉयस से. इन प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड प्रोटेंसी, लिक्विड प्रोटेंसी की अगर प्रिपरेशन करना है, स्केल्स यूज्ड आर सेंटीसिमल डेसिमल एंड 50 मिलीसिमल. इन प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड पोटेंसीज डेसिमल एंड सेंटीसिमल स्केल्स आर यूज्ड. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यदि हमें लिक्विड पोटेंसी में स्केल बनानी है तो कौन सी स्केल यूज करेंगे, सेंटीसिमल डेसिमल एंड 50 मिलीसिमल. लेकिन यदि हमें सॉलिड पोटेंसी प्रिपेयर करनी है तो कौन सी स्केल का यूज करेंगे, डेसिमल और सेंटीसिमल स्केल का हम यूज करेंगे. When trituration attains success potency, that then it is converted into liquid potency and potentized. एक होता है fluxion potency. किसी को पता है fluxion potency क्या होता है? पता है किसी को? बताइएगा मुझे, आंसर करिएगा. आगे हम बढ़ते हैं तब तक. Centesimal scale क्या होती है? Centesimal scale के बारे में हमें कब बताया था? फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में का 270 एफोरिज्म में बताया गया था सेंटीसिमल स्केल के बारे में. सिक्स से डायरेक्ट 8x बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंपिंग पोटेंसी या जंपिंग पोटेंसी. वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर सुनीता. दिस सेंटीसिमल स्केल जो है क्या होता है, ये जो स्केल है इसके बारे में हमें कौन से एडिशन में बताया था ऑर्गेनन के, फिफ्थ एडिशन में, कौन से एफोरिज्म में, 270 एफोरिज्म में बताया गया है. This scale was introduced by Dr. Henneman. आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि centesimal scale जो है वो किसने introduce किया था, Henneman जी ने. Its method of preparation is given in fifth edition of Organon. Medicine aphorism 270 में. अगर हमें centesimal scale लिखना है तो हमें किससे कैसे शो करते हैं, C से या फिर CH से. C से हम लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं, CH. ठीक है, या फिर हम क्या लिख रहे हैं, सी एच. रेशियो कितना होता है इसमें ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल का, 1:99. नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल स्केल. तो आपको कई बार, हाँ वेरी गुड डॉक्टर रितु, 6x से 8x पोटेंसी में डायरेक्ट अगर हम पहुंच रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, जंपिंग पोटेंसी. अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट डेसिमल स्केल. तो डेसिमल स्केल को हम किससे शो करते हैं, एक्स से. सेंटीमल स्केल को हम किससे शो कर रहे हैं, सी से, है ना. तो डेसिमल स्केल जो है ये किसने दिया था, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ऑफ फिलाडेल्फिया वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द डेसिमल स्केल. कई बार एग्जाम में रिपीट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेसिमल स्केल जो है उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, सी हेरिंग. ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, सी हेरिंग. सेंटीसिमल स्केल किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर हेनीमन ने. डेसिमल किसने किया था, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग. ठीक है, इसे हम किससे शो करते हैं, एक्स से, लेटर एक्स से या फिर डी से. द डेसिमल, सॉरी द डेसिमल पोटेंसी इज डिनोटेड बाय सफिक्सिंग द लेटर एक्स और डी टू द नंबर इंडिकेटिंग द पोटेंसी. रेशियो कितना होता है इसमें, 1:99 का रेशियो, सॉरी 1:9 का. सेंटीसिमल स्केल में हम लोग ले रहे थे ड्रग का और व्हीकल का 1:99. डेसिमल में हम क्या रेशियो यूज कर रहे हैं, 1:9. नेक्स्ट देखेंगे 50 मिलीसीमल पोटेंसी. 50 मिलीसीमल पोटेंसी जो थी वो कौन लेकर आए थे, डॉक्टर पेरे स्मिथ. इन सिक्स एडिशन इट्स प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एनुंसिएटेड बाय हेनीमन इन हिज सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. तो 50 मिलीसीमल पोटेंसी कौन लेकर आए थे, डॉक्टर पेरे स्मिथ. डेसिमल स्केल कौन लेकर आए थे, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग. और सेंटीसिमल स्केल कौन लाए थे, डॉक्टर हेनीमन. ये तीनों का स्केल का याद रखना है कौन लेकर आए थे. ठीक है,
आप प्रिपरेशन ऑफ एलएम पोटेंसी, एलएम पोटेंसी में हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं देख लें। ट्राइचुरेट ड्रग विद द शुगर ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर 3C पोटेंसी, 1 ग्रेन ऑफ द 3C पोटेंसी इज डिसॉल्वड इन 500 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल एंड 4 पार्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, 1:4 का रेशियो होना चाहिए। Thus the dry trituration is converted into liquid form. It is called as mother potency of LM potency. फिर 1 drop of mother potency हमने लिया, is put in a soluble vial and 100 drops of pure alcohol हमने use किया are added. This is to be succussed 100 times. Succussion किया हमने 100 times. For medication globules, 100 globules weighing 65 gram का होता है and soak them with the solution prepared above. ठीक है, this makes the first LM potency denoted by 0/1. LM potency को हम किससे लिखते हैं? 0/1. ये हो गई हमारी LM potency. Next है trituration और इसके बाद हम क्या देखेंगे? Jumping potency या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? Fluxion potency, जो आप सभी को पता है। एक बार trituration देख लें, फिर उसके बाद हमारी next class start होने वाली, तो हम आज class को जल्दी over करेंगे। क्या है ट्राइचुरेशन? ये कितना टाइम ले रहे हैं? 20 मिनट्स। आपको एग्जाम में यही पूछ लिया गया है कि ट्राइचुरेशन में कितना टाइम लग रहा है? 20 मिनट्स। फॉर राइसिंग 1 पोटेंसी इट टेक्स 1 आवर टू ट्राइचुरेट शुगर ऑफ मिल्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, इसे हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 3 स्टेजेस, ईच स्टेज टेक्स 20 मिनट्स, है ना। टोटल कितनी देर की है ये? 1 घंटे की प्रोसेस है और इसे हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। हर स्टेज 20-20 मिनट्स की है। वो देखें, इन ईच स्टेज 1 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज एडेड, ईच स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेजेस दैट टेक 10 मिनट्स ईच। तो ट्राइचुरेशन से रिलेटेड आपको टाइम के बारे में पूछा गया है कि ट्राइचुरेशन में अलग-अलग हमने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, वो कितने मिनट की है? 20-20 मिनट्स की। और जो तीन स्टेजेस है उसे भी हमने सब स्टेजेस में डिवाइड किया, जो कि 10-10 मिनट्स की है। ठीक है, ईच सब स्टेज ऑफ 10 मिनट कंसिस्ट ऑफ, अब जो हमने सब स्टेज है उसको हमने 10 मिनट्स में डिवाइड किया है। अब वो 10 मिनट्स को कैसे डिवाइड किया वो हम देखेंगे। एक जो फर्स्ट है 6 मिनट्स की है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ग्राइंडिंग द मेडिसिनल सब्सटेंस इन 1 डायरेक्शन। मेडिसिनल सब्सटेंस को हम ग्राइंड कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन। फिर 3 मिनट्स की नेक्स्ट है प्रोसेस, उसमें क्या कर रहे हैं? स्क्रैपिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ मॉर्टर एंड पेस्टल। फिर हम क्या कर रहे हैं? स्क्रैपिंग कर रहे हैं, किसके? मॉर्टर जो है उसमें से हम स्क्रैप करके मेडिसिनल सब्सटेंस को निकाल रहे हैं। वो कितने टाइम की? 3 मिनट्स की है। और लास्ट 1 मिनट में हम क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो हमने ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस है उसमें हमने 3 स्टेजेस देखी। 3 स्टेजेस कितने मिनट की थी? 20-20 मिनट्स की थी। उसे हमने फिर सब स्टेजेस में डिवाइड किया, वो कितने मिनट्स की थी? 10 मिनट्स की थी। 10 मिनट्स को हमने अगेन 6, 3 and 1 में डिवाइड किया है। 6 मिनट्स में हमने क्या देखा कि ग्राइंडिंग प्रोसेस चल रही है, 3 मिनट्स में स्क्रैपिंग हो रही है और 1 मिनट में मिक्सिंग है। ठीक है, इस तरह से हमने 3 सब स्टेजेस में हमने डिवाइड कर दिया। ये हो गई हमारी ट्राइचुरेशन। अब हम क्या देखेंगे? जंपिंग पोटेंसी या फ्लक्शन पोटेंसी क्या होती है? वही डायरेक्ट हम 6x पोटेंसी से हम क्या 8x जो पोटेंसी बना रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? जंपिंग पोटेंसी। ठीक है, ऑल मेडिसिनल सब्सटेंसेस वेदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्वड इन वाटर और अल्कोहल आफ्टर 6x पोटेंसी। फॉर डिसॉल्विंग 1 पार्ट ऑफ 6x पोटेंसी 100 पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डिस्पेंसिंग अल्कोहल इज रिक्वायर्ड and this solution is given 10 succussions to get 8x potency. So in conversion of trituration to succussion in decimal scale 7x potency is not achieved, hai na. Direct kya aa rahi hame? 8x potency aa rahi hai, not achieved, and we directly get 8x potency, and so this is called as jumping or fluxion potency. Jumping potency was given by Skinner. Ye important hai, aapko question pucha gaya hai, जंपिंग पोटेंसी हमें किसने दी थी? स्किनर ने। जंपिंग पोटेंसी हमें किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। स्ट्रेट पोटेंसी जो थी वो किसने दी थी? डॉक्टर बर्ट ने। डॉक्टर बर्ट ने हमें कौन सी दी थी? स्ट्रेट पोटेंसी। ठीक है,
इन पैचुरेटिंग प्लम्बम पेस्टल हैज टू बी यूज सॉफ्टली. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग. ठीक है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, किसको सुपरस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, किसको सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज के हमने क्लासेस में ओल्ड एंड न्यू मेथड से किस तरह से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है वो हमने देखा. इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं, अभी आप पूछ सकते हैं, तुरंत हम लोग आपकी जो क्वेरी है वो दूर कर सकते हैं. और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग. ठीक है, करें आज क्लास.